अलंकापुरी है। दिन के समय जितना खूबसूरत दिखता है, रात के समय उतना ही डरावना है। अलंकापुरी के लोग रात में अपने घर के बाहर भी नहीं निकल सकते, क्योंकि बाहर चित्रा का भूत घूमता है और जो कोई भी उसे रात में मिलता है। चित्रा उसे उठाकर ले जाती है और बरगद के पेड़ से लटकाकर उसे मार देती है। अब तक कई लोग चित्रा के शिकार हुए हैं, इसीलिए गांव वालों ने सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। इस बात से अनजान प्रफुल अपने गांव आया था अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने। काका प्रणाम। अरे वाह वाह प्रफुल बेटा, इतने सालों बाद। हाँ काका, वो खेत बेचने आया हूँ। अब कोई यहाँ नहीं रहता, खेत रखकर भी क्या करना है। सोचा है खेत बेचकर शहर में घर खरीदूंगा, अब सब वहीं रहेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे रात गांव में ही रहने वाले हो ना? हाँ। तो घर के भीतर ही रहना, सूरज ढलने के बाद बाहर निकलने की सोचना भी मत। इसे सलाह नहीं, चेतावनी समझना। ऐसा बोलकर सरपंच काका वहाँ से निकल गए और प्रफुल्ल समझ नहीं पाया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। दोपहर बाद प्रफुल्ल अपने घर गया और आराम करने लगा। कुछ देर बाद बगल की काकी आई। ये ले बेटा, खाना खा ले। इतनी जल्दी काकी? अभी तो 6 ही बजे हैं। वो क्या है ना, सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए जल्दी ले आई। तेरा जब मन करे तब खा लेना। जी काकी। काकी के जाने के बाद प्रफुल्ल सोचने लगा, आखिर ये घर से बाहर ना निकलने का माजरा क्या है। कुछ देर बाद उसने खाना खाया और बिस्तर पर सो गया। अचानक आधी रात उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। इतनी भयानक हंसी सुनकर प्रफुल्ल डर गया, पर उसने फिर भी धैर्य रखते हुए बाहर झांकने का सोचा। जब उसने खिड़की के बाहर झांका, तो उसके तोते उड़ गए। और अगले सुबह पड़ोस वाली काकी चाय लेकर आई। प्रफुल्ल, उठ प्रफुल्ल, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो कल रात चुड़ैल, वो हंस रही थी। वो कौन थी? सब बताती हूँ, पहले तू उठ और मुंह धो ले। प्रफुल्ल उठकर चला गया। प्रफुल्ल के लौटते ही काकी ने उसे चाय और पराठे दिए। वो कौन थी? क्या वो कोई चुड़ैल थी? वो चित्रा थी, उसे किस्मत ने चुड़ैल बना दिया। मतलब? चित्रा और सुरेश एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वो गांव के बाहर अक्सर मिला करते थे। उन दोनों ने अपने परिवार वालों को भी शादी के लिए मना लिया था। अब कोई चिंता नहीं, हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे सुरेश। हाँ, पर तेरे बाबा की शर्त है कि मुझे कम से कम 5,000 रुपए महीने कमाने हैं और मेरी तनख्वाह अभी 3,000 है। मुझे यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ कर ही लोगे। हाँ, एक दोस्त से बात की है, उसने मुझे शहर बुलाया है। ना बाबा ना, शहर नहीं। पहले सुन तो लो, मुझे सिर्फ 2 महीने शहर जाकर ट्रेनिंग लेनी होगी, फिर मैं यहीं गांव में काम करूंगा और उसके हिसाब से मैं महीने का 10,000 कमाऊंगा। 10,000? हाँ, अब बोलो। कब जा रहे हो? अब इतनी जल्दी है मुझे भेजने की? जल्दी तो है, पर तुमसे शादी करने की। इन प्रेमियों का प्यार सबको गवारा नहीं था। विक्रम भी चित्रा से बहुत प्यार करता था, लेकिन चित्रा सुरेश को चाहती थी,
कुछ दिनों बाद सुरेश ट्रेनिंग के लिए शहर चला गया। अब चित्रा अकेली पड़ गई थी। विक्रम ने बहुत कोशिश की चित्रा के करीब जाने की। तुम अपनी हद में रहा करो, मेरे करीब भी आए ना तो चिल्ला चिल्ला कर पूरा गांव इकट्ठा कर दूंगी। लगभग एक महीना बीत गया था। एक रात विक्रम चित्रा के कमरे में जा पहुंचा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे कमरे में चले आए? मैं सुरेश की खबर लाया हूँ। क्या खबर? अच्छी नहीं है। पर क्या हुआ? सुरेश का शहर में एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में है और तुम्हें ही याद कर रहा है। क्या? मैं तुम्हें उसके पास ले जाने आया हूँ। बिना कुछ सोचे समझे चित्रा उसके साथ निकल पड़ी। विक्रम चित्रा को एक पहाड़ी पर ले गया। वहाँ उसने उसे एक बरगद के पेड़ से बांध दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दो? तुमने मेरे प्यार को कभी समझा ही नहीं। पर मैं सुरेश से प्यार करती हूँ। ऐसा क्या है उस सुरेश में जो मुझ में नहीं है? उससे ज्यादा कमाता हूँ, घर परिवार भी अच्छा है। तुम्हें रानी बना कर रखूंगा, बस तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। यही फर्क है तुम दोनों में। तुम मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहते हो। बहुत हो गया। अगर आज तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम कुछ भी कर लो, मैं सुरेश से ही प्यार करती हूँ और उसी से ही शादी करूंगी। ये सुनकर विक्रम का पारा चढ़ गया और उसने चित्रा के पेट में चूहा घोंप दिया। गांव वालों ने विक्रम का कुछ नहीं किया क्योंकि वो रईस सेठ का बेटा था और बस चित्रा इसी वजह से भड़क गई। बस उसी दिन से चित्रा एक चुड़ैल बन गई और अपना बदला लेने लगी। वो विक्रम को घसीटते हुए गांव से बाहर ले गई, बरगद के पेड़ पर उसे उल्टा लटका दिया। मुझे मेरे प्यार से तूने अलग कर दिया, अब इसका बदला मैं पूरे गांव से लूंगी। चित्रा ने बरगद के पेड़ की लताओं से विक्रम का गला दबाकर उसे मारकर उसी पेड़ पर लटका दिया। चित्रा का बदला यही खत्म नहीं हुआ। वो हर रात गांव में घूमती है और उसे जो भी अपने घर के बाहर दिखता है उसे घसीटकर बरगद के पेड़ पर लटका देती है। बस तब से पूरे अलंकापुरी पर चित्रा का कहर बरस रहा है। पर काकी, चित्रा का गांव वालों से बदला लेना गलत नहीं है? क्या गांव वालों का विक्रम को छोड़ देना गलत नहीं था? प्रफुल्ल बेटा, तुम यहाँ नए आए हो, इन चीजों में ना उलझो। जिस काम से यहाँ आए हो वो निपटा कर चले जाओ। जी काकी। प्रफुल्ल इतना डरा हुआ था कि वो उसी दोपहर की गाड़ी पकड़कर शहर लौट गया और यहाँ अलंकापुरी में चित्रा का कहर चलता रहा।